Hello everyone, Assalamualaikum. I hope you all are doing well. So आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है इसको मैंने ईद मिलादुन्नबी पर लगाई थी मैंने ये मेहंदी. देन मुझे तब से ही ये वीडियो ये ट्यूटोरियल एडिट करना था लेकिन यार टाइम नहीं मिल पा रहा था. सो फाइनली आज मैंने कर ही लिया. देन अब ये देखें, अब ये जो हमने स्टार्टिंग ली है, देन पहले कर्व बनाया है लाइक कंगूरा, देन इसको फिर हमने बोल्ट करा, बोल्ट के बाद आउटलाइन बनाई है, आउटलाइन के बाद कट्स बनाए हैं. कट्स जब पूरे में रिपीट हो जाएंगे देन देखिए आप लोगों ने अपने कट्स को बिल्कुल बारीक बनाना है. कट्स आपके मोटे पतले ना हो, देन कट्स आपके जब बिल्कुल बारीक बनेंगे तो आपकी मेहंदी में फिनिशिंग भी बहुत ज़्यादा आएगी. सो इस ट्यूटोरियल को आपने फुल देखना है, बिल्कुल सुकून से आपने पूरा फुल ट्यूटोरियल देखना है. देन आपने फिर इसको कॉपी भी करना है और फिर आपने अपने रिज़ल्ट देखने हैं कि ट्यूटोरियल देखने के बाद जो आप डिज़ाइन कॉपी करेंगे उसमें आप फिर अपने रिज़ल्ट देखिएगा कि आप में कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है. सो ये देखिए, अब हमने 2 times इसके ऊपर कट्स रिपीट करे. देन सेकंड पे हमने इस पे देखें 2 curve बनाए हैं अगेन, बट उन कर्व को हमने बोल्ड बिल्कुल भी नहीं करना. कर्व बनाने हैं, कर्व के ऊपर 1 time कट्स बनाने हैं. अब देखें ये जो है हमने इन दोनों के सेंटर में एक और बनाना है. लाइक आपने 2 बनाए, अब 2 के सेंटर में एक अगेन बनेंगे जैसे कि मैंने बनाया. सो अब देखें, अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पे कटवर्क के फ्लावर्स ड्रॉ करेंगे. कटवर्क तो हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है कटवर्क. समझ लें कटवर्क से तो मेहंदी में आधी जान आ जाती है. लाइक आई लव कटवर्क. और कटवर्क फ्लावर्स लीव्स जब वो बोल्ड होते हैं, समझ लें हमारी मेहंदी की जो आधी खूबसूरती होती है वो हमारे कटवर्क एंड बोल्ड वर्क से ही आती है. सो अब यहाँ पे इस तरह से हमने 2 time फ्लावर रिपीट किया. फ्लावर के बाद हमने इस पर जो देखिए हमारा हाफ सर्कल जो बना हुआ है, उस हाफ सर्कल के साइड पे मैं अपना फुल कटवर्क लूँगी. देखिए 1 side कर्व के 1 side पे मैंने जस्ट कटवर्क बनाया है इस तरह से. आपने भी 1 side पे फुल जितना आपका स्पेस हो उस तरह से आपने कटवर्क बना लेना है. देन कटवर्क बनाने के बाद इस कटवर्क पे आपने आउटलाइन ड्रॉ करनी है. ये आउटलाइन जो होगी इसको हम बोल्ड करेंगे, ये बोल्डिंग लाइन है. अगर हम बोल्डिंग डायरेक्ट कर देंगे तो वो इतनी ज़्यादा लाइक फिनिशिंग नहीं देगी. कॉज क्या होता है, वो ख़राब ना हो जाए. जब हम कट्स बनाते हैं इसके ऊपर तो हमें डर होता है कि वो ख़राब ना हो जाए. तो इसके लिए आउटलाइन लेके आपने बनाने हैं कट्स. पहले हम आउटलाइन बना के कट्स पर बना लेंगे. कट्स बनाने के बाद हम कटवर्क को बोल्ड करेंगे. अब कट्स के ऊपर मैंने 2nd फिलिंग जो ऐड की है वो है हाफ़ फ्लावर्स की. ये हाफ़ फ्लावर्स जो हैं आपने बिल्कुल बारीक बनाने हैं. और इन हाफ़ फ्लावर्स जिसको बनाना नहीं आते वो मेरे पिछले ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, उसमें मैंने हाफ़ फ्लावर्स भी फुल डिटेलिंग के साथ बताए हैं. और जिसने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दें. और ये हाफ़ फ्लावर्स भी आपके बिल्कुल बारीक हैं. और ये हाफ़ फ्लावर्स देखे मैंने फुल कटवर्क में रिपीट नहीं किए, ये भी मैंने हाफ़ कटवर्क में रिपीट किए हैं. कॉज मुझे बिल्कुल हैवी हैंड नहीं लगाना था, ये मुझे सिंपल हैंड लगाना था. और इसके बराबर में आप एक और हैंड देखें, वो भी मैंने इनके लगाया था, उसका भी ट्यूटोरियल बनाया है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके शेयर करूँगी. और ये देखें, अब मैंने पहले कट्स बना लिए, देन कट्स बनाने के बाद मैंने इसको बोल्ड करा था. अब इसकी फिनिशिंग देखें कितनी ज़्यादा फिनिशिंग आ रही है, क्योंकि जब हम कट्स बना के बोल्ड करते हैं तो स्पेस मतलब खाली जगह भी नहीं बचती कटवर्क के और कट्स के सेंटर में. अब जो हमारे पास सर्कल आधा बचा था, देखिए हाफ़ सर्कल पे तो हमने कटवर्क बना लिया, देन जो हाफ़ सर्कल हमारे पास बचा है उस पर हमने बोल्डिंग लाइन बनानी है. इस तरह से क्या होता है, कहीं से हमने हाफ़ बोल्ड कर दिया, कहीं पर हाफ़ पे कटवर्क ले लिया, कहीं हाफ़ पे हमने कुछ और बना लिया, इससे जो है हमारे डिज़ाइन में एक न्यू क्रिएटिविटी ग्रो होती है. एक न्यू क्रिएटिविटी ओन क्रिएशन बन जाती है वो. इस तरह से आप भी छोटे छोटे से डिफरेंस करेंगे, छोटी छोटी सी डिफरेंट चीज़ें आप इसमें ऐड करेंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स बनाएंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका जो डिज़ाइन होगा वो अपना ओन क्रिएटिविटी. आप कह सकते हैं कि मैंने किसी का कॉपी नहीं किया, मेरी ओन क्रिएशन है. अब देखिए ओन क्रिएशन जो होती है वो इसी तरह से बनती है. आपने कुछ 3-4 डिज़ाइंस देखे, उन 3-4 डिज़ाइन में से आपने कुछ हाफ हाफ पैटर्न्स लेके एक अपना डिज़ाइन क्रिएट किया.
जैसे कि आपने एक ये डिज़ाइन देखा, इसके अलावा दो तीन डिज़ाइन देखे। अब एक का आपको कटवर्क अच्छा लग रहा है, एक के आपको फ्लावर्स अच्छे लग रहे हैं, एक में आपको स्पायरल्स, एक का आपको पैटर्न अच्छा लग रहा है। तो आपने एक डिज़ाइन का पैटर्न कॉपी कर लिया, दूसरे डिज़ाइन के अपने फ्लावर्स वगैरह ले लिए, और तीसरे डिज़ाइन का आपने कोई और पार्ट ले लिया। इस तरह आपने तीन चार डिज़ाइंस के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स लेके अपना एक ओन क्रिएशन अपने माइंड से उसको क्रिएट करना है। तो ये क्या होता है, ये आपकी ओन क्रिएशन, ओन क्रिएटिविटी बन जाती है। देन अब देखें, इन कट्स के ऊपर मैंने डॉट्स रिपीट कर दिए। डॉट्स बनाने के बाद अब फिंगर पे पहुंच के मैंने कर्व बनाया है। ये कर्व बनाना है, इस कर्व को बोल्ड किया, आउटलाइंस बनाई, देन वन आउटलाइन हमने बोल्ड कर दी और दो आउटलाइंस हमने इस पर बोल्डिंग के ऊपर ले ली। अब इस पर भी हमने कट्स बनाए, हाफ फ्लावर्स बनाए और ये सर्कल्स बन रहे हैं। इन सर्कल्स को जो है वो आपने फुल लाइक छोटे छोटे से बनाने हैं, सर्कल बहुत बड़े बड़े नहीं करने, और इन सर्कल्स को बहुत ज़्यादा आपने बारीक भी नहीं रखना, ये आपके थोड़े से बोल्डिंग होने चाहिए जैसे कि मैंने बनाए हैं। अब आपको दूसरा साइड भी दिख रहा होगा इनका दूसरा हैंड, वो भी बहुत प्यारा लगा था, लाइक मुझे बहुत पसंद आया था वो वाला साइड, ज़्यादा पसंद आया था मुझे तो। और मैंने उसका भी ट्यूटोरियल बनाया था, तो मैं देखूंगी अगर मुझे सही लगा तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो आप लोग उसका भी देखिएगा। और इस डिज़ाइन की पिक्चर मैंने स्टार्टिंग में ही शो कर दी है, सो आप लोग इस डिज़ाइन को देख के भी कॉपी कर सकते हैं। और अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। और ये देखिए, अब फिंगर के जो हमने कॉर्नर पे बना रही हूँ मैं, ये मैंने एक और कर्व बनाया था, छोटा सा कर्व, इस पर बोल्डिंग लाइन, आउटलाइन, आउटलाइन के ऊपर टू टाइम कट्स रिपीट करे हैं, कट्स के ऊपर एक और बोल्डिंग लाइन बनाई है। देखिए ये जो फिंगर्स होती हैं, इन फिंगर्स पे जो मोस्टली जो बनाती हूँ मैं, लाइक जो मोस्टली मैं बनाती हूँ वो यही फिंगर बनाती हूँ मैं, लाइक कर्व, आउटलाइन, बोल्डिंग लाइन, कट्स, मतलब ये क्या होता है, ये बारीक काम, बोल्डिंग काम, दोनों वर्क जब साथ साथ मैनेज होते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा सा इसका समझ लें, लाइक बहुत अच्छा सा पैटर्न बन जाता है फिंगर का। और अब देखें, अब इसके ऊपर आउटलाइन के ऊपर भी मैंने टू टाइम कट्स रिपीट कर दिए हैं। अब ये कट्स रिपीट करने के बाद यहाँ पे इस तरह से मैंने एक और लाइन बनाई है, इसको भी बोल्ड कर दिया। अब इस पर भी आउटलाइन लेंगे, कट्स बनाएंगे, तो ये क्या समझ लें, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, इस तरह करते करते हमने आउटलाइंस, बोल्डिंग लाइंस बना के एरिया को फिल करते रहना है। और ये बहुत अच्छा सा पार्ट लगता है मेहंदी में, लाइक फिंगर्स पे। अब जो मेरे पास हाफ फिंगर इतनी बच जाती है, इस फिंगर पे हम समय जब मोस्टली ज़्यादा ड्रॉ जो करती हूँ वो कट शेडो वर्क होता है, लाइक ये देखें जैसे मैंने कट वर्क बनाया था, लाइक उसी तरह से यहाँ पर मैंने शेडो वर्क बना दिया पूरी फिंगर पर। और जिस जिसको कट वर्क एंड शेडो वर्क का डिफरेंस नहीं पता, वो मेरा पिछला ट्यूटोरियल जाके देखें, उसमें मैंने फुल डिटेलिंग के साथ बताया है कट वर्क का और शेडो वर्क का डिफरेंस, कि कट वर्क में क्या डिफरेंस होता है और शेडो वर्क में क्या डिफरेंस होता है। देखिए दोनों का कर्व भी बनते हैं, दोनों में लीव्स भी बनते हैं, बोल्डिंग भी होती है, फ्लावर्स भी बनते हैं, लेकिन इन दोनों में नाम क्यों दोनों के अलग हैं, लाइक एक कट वर्क क्यों कहलाता है, एक शेडो वर्क क्यों कहलाता है, इसको भी मैंने फुल डिस्क्राइब किया है अपने एक ट्यूटोरियल में। तो जिस जिसने वो नहीं देखा वो जाके उस ट्यूटोरियल को भी देख लें। अब देखें, अब जो हमारी मेहंदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है वो ये है कि हमने अपने वर्क पे एंडिंग देनी है, लाइक जो फिलिंग बनी हुई है इस फिलिंग के ऊपर हमने एंडिंग बनानी है। एंडिंग से मुराद कि आपने डॉटिंग कर दी या लिटिल लिटिल सी स्पायरल्स बना दी, उससे क्या होगा कि हमारी मेहंदी पर एंड आ जाएगा, लाइक फिलिंग के ऊपर कोई ना कोई चीज़ देके आपने एंड करना है। आप फिंगर पे देखिए, फर्स्ट फिंगर तो लाइक फर्स्ट फिंगर जो होती है ये हम थोड़ी हैवी ही बनाते हैं, तो इस पे आके मैंने लीव टाइप बनाया है, आपने भी ये लीव बनाना है, जिसकी देखिए मैंने नोक भी बनी हुई है, लाइक आपने इसकी नोक ख़त्म नहीं करनी लीव की। और इस लीव के ऊपर भी कट्स, कट्स के ऊपर हाफ फ्लावर्स, अगर हाफ फ्लावर्स ना बनाने हों या किसी को हाफ फ्लावर्स ना आते हों बनाना, तो वो अगेन कट्स भी रिपीट कर सकते हैं, लाइक कट्स एंड कट्स, लाइक कट सॉरी लाइक कट्स एंड कट्स रिपीट कर सकते हैं। कट्स के ऊपर जो हाफ फ्लावर्स हैं उसको एक स्किप कर सकते हैं, जो जो स्किप करना चाहे उसको स्किप भी कर सकते हैं, लाइक जिसको बनाना ना आते हो हाफ फ्लावर्स, वो सिर्फ और सिर्फ कट्स वाली फिलिंग के साथ ही अपने पूरे वर्क को स्टार्ट से एंडिंग दे सकते हैं। देन इस लीव के ऊपर मैंने तो वन टाइम कट्स एंड सेकेंड टाइम हाफ फ्लावर्स बनाए थे। अभी देखें, ये लीफ का लुक भी जो है थोड़ा डिफरेंट और बहुत प्यारा लग रहा था,
देन अब इसके ऊपर भी हम स्पाइरल्स ड्रॉ कर लेंगे। स्पाइरल्स भी देखें, बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट करनी है, देन आपने सेंटर से उठानी है स्पाइरल। देखें मैंने भी कितना आगे से स्टार्ट की हुई है और अब सेंटर में से इसको उठा रही हूँ इस तरह से। और आपने स्पाइरल्स जो है अपने फुल लीव, लाइक जो लीव का स्पेस हमारे पास ऊपर की तरफ आ रहा है, उस पूरे पे आपने स्पाइरल्स बनानी है। और देखिए जो मैंने सेंटर से उठाया था इसको किस तरह से बोल्ड किया है, देन आप लोगों ने भी इस तरह से बोल्ड लाजमी करना है। अब देखें पूरे जो मेरे पास हाफ लाइक फिंगर तक जो मेरे पास स्पेस था लीव का, उन लीव के ऊपर मैंने इस तरह से डॉट्स बना के एंडिंग दी है। आपने भी इस तरह से अपने वर्क पर एंडिंग करनी है। और जैसे हमने मिडिल फिंगर बनाई, देन उसी तरह से हम फर्स्ट फिंगर बनाएंगे। देखें टू टाइम कट्स। अब कट्स के ऊपर थोड़े से बड़े बड़े से कट्स रिपीट करने हैं, लाइक थोड़े से बड़े मीन बोल्ड वाले, थोड़े से बड़े बोल्डिंग वाले, इस तरह से आपने रिपीट करने हैं। बड़े बड़े का मतलब बहुत बड़े बड़े नहीं बनाने, नॉर्मल साइज़ के। अब देखें दोनों तरफ ये वर्क रिपीट करने के बाद एक साइड से मैंने बोल्ड किया, आउटलाइंस ली। अब सेकंड आउटलाइंस लेने के बाद सेकंड साइड से भी इस तरह से बोल्ड करना है, आउटलाइंस बनानी है। देन इसके ऊपर भी आपने आके शोल्डर वर्क बना दिया। जो हमारे पास हाफ फिंगर टिप्स का एरिया बनता है उस पर अक्सर आजकल जो है सर डिज़ाइंस ही बनती हैं शोल्डर वर्क की, तो वो बहुत अच्छी लगती हैं। अब जो दो फिंगर्स बची हैं, दो फिंगर्स को हम सेम भी बना सकते हैं, जॉइनिंग देके भी बना सकते हैं। और अभी मैं आपको यहाँ पे स्पाइरल्स बता रही हूँ कि स्पाइरल्स किस तरह से ड्रॉ हो सकती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बिल्कुल लिटिल लिटिल सी स्पाइरल्स बनाई हैं, लेकिन इसमें स्पाइरल्स कम है लेकिन डॉटिंग ज़्यादा है। सो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ये मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डॉटिंग करी है, देन जिसकी डॉटिंग में लाइक स्पाइरल्स में या डॉटिंग में प्रैक्टिस नहीं है तो वो पहले प्रैक्टिस करें, इसकी स्केच पे प्रैक्टिस कर लें। एक मुझे ज़्यादातर सवाल ये भी होता है कि हम मेहंदी की जिस पे आप मैम प्रैक्टिस करती हैं वो किस चीज़ पे करती हैं, वो क्या होता है। सो मैं आपसे ये बता दूं कि जिस पे मैं प्रैक्टिस करती हूँ मेहंदी की, लाइक वो होती है स्केच बुक। तो वो स्केच बुक आपको ईज़िली किसी भी स्टेशनरी शॉप पर मिल जाएगी, तो उस पर अक्सर स्केचिंग भी होती है, ड्राॅइंग भी होती है। सो उसी पर हमने मेहंदी की प्रैक्टिस करते हैं। पहले होती थी मिरर पे, पहले लाइक शीशे पे होती थी, और कुछ ट्रांसपेरेंट शीट्स आती हैं उन सब पे पहले प्रैक्टिस होती थी। अब जो है अब स्केच बुक पे होती है और उस पर बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो आप सबको भी अगर प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस के लिए आप स्केच बुक ले सकती हैं। अब जो मैंने फिंगर बनाई है, इस फिंगर में आपने देखा है स्पाइरल्स। देखिए मेहंदी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो स्पाइरल्स होते हैं। जिसको स्पाइरल्स बनाने नहीं आते, जिसकी प्रैक्टिस नहीं है स्पाइरल्स में, तो वो मैं उन्हें यही रिकमेंड करूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइरल्स की प्रैक्टिस करें। क्योंकि देखें आप बारीक काम अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जो बोल्डिंग वर्क है, स्पाइरल्स है, कट वर्क है, शेडो वर्क है, उसमें आपकी मेन जो फिनिशिंग होनी चाहिए वो उसमें होनी चाहिए। उसमें आपकी फिनिशिंग होगी तो आपका डिज़ाइन, आपका वर्क बहुत इन्हेंस होगा, बिल्कुल डिजिटल सा वर्क देता है और मेहंदी में बहुत खूबसूरती लाता है। अब यहाँ पे जो बस फिंगर टिप का एरिया बचा है, जो स्पेस बचा है, इस स्पेस को भी मैं शेडो वर्क से ही फिल करूँगी। अगर स्पेस कम होगा तो आप पूरा भी फिल कर सकती हैं, बट मैंने यहाँ पे भले एक कर्व का स्पेस था बट मैंने एक कर्व भी बना के इसको फिल कर दिया। वैसे आप पूरा फिल भी कर सकती हैं, एज यू विश, आप सबकी अपनी मर्जी है। अब जैसे मैंने ये वाली फिंगर बनाई है, दैन उसी तरह से मैं लास्ट फिंगर भी ड्रॉ करूँगी। बाकी आप लोग डिफरेंट भी बना सकती हैं, बट मैंने ऐसी ही बनाई है। अब किसी किसी क्लाइंट की जो है रिकमेंड करते हैं, लाइक चॉइस जो होती है अक्सर क्लाइंट्स की ऐसी होती है, कोई कोई कहता है कि हमें सारी फिंगर्स सेम चाहिए, कोई कोई कहता है हमें सारी फिंगर्स डिफरेंट डिफरेंट चाहिए। तो ये हर किसी की अपनी चॉइस होती है। मोस्टली मुझे तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फिंगर्स ही पसंद हैं। और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, एंड कमेंट भी लाजमी करें। क्योंकि देखिए हम इतनी मेहनत करके, इतने एफर्ट्स करके आप लोग एक ट्यूटोरियल रेडी करते हैं, फिर उसको एडिट करते हैं, फिर आपका शेयर करते हैं, तो आप लोगों का इतना राइट तो बनता है कि आप इसको एक लाइक ही कर दें। लाइक आपके एक लाइक से क्या होता है, हमें हिम्मत मिलती है, हमें हौसला हो जाता है कि हाँ कोई हमें लाइक कर रहा है, तो हम और अच्छा काम करके दिखाएं और ज़्यादा शेयर करें। तो इसके लिए जो आप लोगों को अप्रिशिएट होता है, छोटा सा एक अप्रिशिएट है, लाइक तो आप कर दें। और
और कैसा रहा ये ट्यूटोरियल आप सबके लिए। और मैंने जो है थंप की वीडियो नहीं बनाई, कॉज आई डोंट नो क्यों नहीं बनी, बट जैसी मैंने छोटी फिंगर बनाई है देन उसी तरह से थंप भी ड्रॉ किया है, बिल्कुल सेम था। सो आप लोगों ने बस ये दो फिंगर्स देख ली, वैसा ही थंप ड्रॉ हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।